धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र प्रीतमपुर में अवैध शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करते हुए कार से 22 पेटी देसी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब कार में भर कर घाटा बिल्डोर से देवास ले जाई जा रही थी। पुलिस को मुखबिर सूचना मिलते ही प्रीतमपुर के महिंद्रा ब्रिज के नीचे पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। उसी दौरान घाटा बिल्डोर से आ रही कार को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से आरोपी बलवंत सिंह निवासी देवास को 22 पेटी अवैध शराब के साथ पकड़ा है। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत करीब 2,70,000 बताई जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र प्रीतमपुर में अवैध शराब का कारोबार बदस्तूर जारी है। प्रीतमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। क्या है पूरा पर्पस? रात्रि में प्रीतमपुर में रात्रि गश्त के दौरान लगभग कल और आज सुबह की दरमियान 1:30 से 2 बजे के बीच में महिंद्रा ब्रिज के नीचे एक कार जो है बड़ी स्पीड से जाती दिखी, तो पुलिस ने उसका पीछा किया और पीछा करके उसको पकड़ा, तो उसमें 22 पेटी देसी शराब की प्लेन और मसाला मिली और उसको ये इसमें जब्ती की कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया है। कितने आरोपी थे सर टोटल? इसमें एक आरोपी, एक ही ड्राइवर मिला है। अब और भी पता चल रहे हैं कि इसके कुछ फॉलोअर्स हो सकते हैं, इसको कुछ सपोर्ट करने वाला हो सकता है कोई, तो उसकी तलाश की जा रही है। आरोपी जो है बलवंत है और ये कनेरिया का देवास का रहने वाला है, बरोठा थाने का। सर ये शराब कहाँ से कहाँ जाती थी? ये अभी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आरोपी बड़ा चतुर चालाक लग रहा है, ऐसा अभी ये प्रथम दृष्टया इसने ये बताया कि किसी रोड के किनारे कोई दे गया इसको, तो ये बात कोई स्वीकार योग्य नहीं है। इससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और पूछताछ करके रिमांड लेके पूछताछ करेंगे। करीब कितने रुपए की शराब है ये? लगभग 2 लाख रुपए की शराब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।